मायूं सईद गुड लुकिंग गुड लुकिंग हैंसम ब्यूटिफुल बोलते हैं ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए कहा जाता है ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए <laughs> अद्दान जिदी रिपीट भी बोल सकते मर्जी आपकी बिग ब्रदर फाद मुस्तफ़ा एक्स्ट्रीमली टैलेंटेड वगार जगह मेरा इतना कोई इंटरेक्शन वकार के साथ रहा नहीं है पास भी कह सकते स्पीचलेस हो गया स्पीचलेस डन oh, <laughs> मेरा मेरी दो तीन मुलाकातें दो तीन चार मुलाकातें नहीं हैं सरसरी सी मिलने में तो बहुत अच्छा गुड सही है बिल्कुल ठीक है तो प्रॉब्लम क्या है स्पीचलेस <laughs> uh, फवाद खान सुपरस्टार जी असफरमानी आ, ये एक साथ ही दोनों के बारे में बोलना है एक वर्ड या, या अलग या अलग तो अलग अलग, अलग असफर को और बहुत काम करना मैं एक एडवाइस आप कुछ असफर बहुत टैलेंटेड बंदा है असफर को काम करना चाहिए और आ, मानी को अपनी होस्टिंग दोबारा शुरू करनी चाहिए।, करनी चाहिए करनी चाहिए करनी चाहिए जिस काम से उसने स्टार्ट लिया था और वो करता है अच्छी होस्टिंग उसके तेज तेज जल्दी बोलने को भी लोग बड़ा अच्छा उसको मज़े का लगता है, है। उसको नेचुरल है उसका वो इज एक्चुअली अबाउट इट बिल्कुल करनी चाहिए होस्टिंग काफ़ी अरसे से नजर नहीं आ रहा मानी स्क्रीन पे तो बिल्कुल करनी चाहिए असफर को डायरेक्शन एक्टर भी बहुत अच्छा है असफर ओके okay. करना चाहिए मार्केट में वो उसको नजर आना चाहिए असफर को सही हरा मानी अभी दो तीन साल में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम वन वर्ड अच्छा वन वर्ड ओहो अ टैलेंटेड तीन बार हो गया ये टैलेंटेड दो बार हो गया पास नहीं तू अभी पास, पास ना करे ना कुछ नहीं पास हो रात एक बंदे के लिए एक ही से वर्ड यानी उसको दोबारा चले नहीं नहीं चले ठीक है टैलेंटेड अच्छा, हो गए टैलेंटेड हाँ। मैं भी शायद सितारा इंतहास यही मिला था ना सितारा जी नहीं वाली बहुत अच्छी फ्रेंड है बहुत अच्छी कोलीग है अली ज़फर गुड सिंगर हरीम फारूक ठीक है ठीक कर दूं एक लफ्ज़ ठीक ठीक हाँ अगर एक ही लफ्ज़ कहना तो ठीक ठीक फैसल कुरैशी दोस्त, दोस्त। उसके लिए एक लफ्ज़ तो ना बोलो क्यों एक लफ्ज़ बोलना है तो दोस्त से मतलब फाइनेस्ट एक्टर ऑफ योर इंडस्ट्री पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री फाइनेस्ट एक्टर्स कामरान जिलानी ठीक ठीक एक वर्ड है ना जी ठीक हो रहे आप अब. अब इसको आप कुछ भी कह लो यार ये तो आम, बस ठीक सही है चल रही है गाड़ी अल्लाह का शुक्र अच्छा आदमी है अच्छा आदमी ठीक है लगता तो है अदनान जलानी वंडरफुल एक्टर इस वजह से नहीं के भाई है साहिल लोधी गुड एंटरटेनर एंटरटेनर हाँ फिल्म भी करनी है गाना भी गाना है होस्टिंग भी करनी है हर चीज करनी है ना नुमान एजाज लिविंग लेजेंड मैंटोर है जी इनमें से कौन किसके लिए ये गाना ठीक होगा कि ये शख्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर है हमायूं सईद अदनान सिद्दीकी फाद मुस्तफ़ा मोइन अख्तर सलीम नासिर कामरान जिलानी नुमान एजाज फैसल गुरैशी मुइीन अख्तर साहब अदाकार नहीं थे ओके okay. मेरी नजर में वो भी एक यानी आप उनके ड्रामे उठा के देख लें कितने हैं हैं जितने भी हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं गिनतियों पर हैं रोजी ज्यादातर लूज हैं जी जी लूजा वही है मिमिक्री वो बहुत अच्छी वो उनके वो लूज और उन... ड्रामे कम है उनके बाकी जितने आपने नाम लिए उनके क्रेडिट पे बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे हैं और वो प्रॉपर अदाकार और अदाकारी काफ़ी अरसे से कर रहे हैं चले मु अख्तर को हम लिस्ट में से निकालते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर सलीम नासिर साहब आपने कहे और एक एक बस नाम नहीं नाम फिर से अच्छा सली... सलीम हुमायूं सईद अदनान सिद्दीकी फाद मुस्तफ़ा सलीम नासिर नुमान एजाज फैसल कुरैशी और सलीम नासिर भी

जिया मोहिद्दीन मोइन अख्तर फाद मुस्तफ़ा साहिल लोदी मानी वकार जगह क्या लिस्ट है ना ये तो किसने बनाई है लिस्ट ये ये तो मैंने बनाई यार मजा आ गया मुझे पढ़ के अलग से हम इस प्रोग्राम से हटके भी हम गुफ्तगू करेंगे बिल्कुल 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 <laughs> यार डेफिनेटली वो मसला ये है कि वो आपने उन उस दौर के भी और इस दौर के भी आपने ऐसे नाम मिला लिए हैं चले इसको दो, दो अलग अलग जवाब दे दें बस तारे गजीज या मुहदीन मोइन अख्तर इनमें से चूज करें होस्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा होस्ट मोइन अख्तर साहब सही और आज के लॉट में पाकिस्तान का सबसे बड़ा होस्ट फाद मुस्तफ़ा साहिल लोधी मानी वकार बाकी मानी भाई तो वापस आएंगे तो फिर मजा आएगा देखेंगे अभी मार्क सीन से आउट है जरा मानी मार्क थोड़ा सा क्योंकि इस वक्त फहाद ही भाई इस वक्त छाया हुआ है नो डाउट no पाकिस्तान की सबसे बड़ी होस्ट शास्ता लोदी ना, नादिया खान सनम जंग सनम बलोच नेदा यासिर जवेरिया सऊद मतीरा मदिया मतीरा मतीरा <laughs> अच्छा सबसे बड़ी होस्ट मतीरा इन लोगों ने कितना काम किया है ना माशाल्लाह बहुत काम, बहुत काम किया है बहुत बहुत काम किया इन लोगों ने <laughs> अच्छा <laughs> देखिए अगर उस सवाले से अगर बात करूं तो देखिए ये मॉर्निंग शोज के आपने सारे होस्ट नाम लिए आपने सारे नहीं नहीं मतीरा नाइट शो करती नहीं ज्यादातर ऑलमोस्ट जी ज्यादातर मॉर्निंग शो के हवाले से पानीर इनमें से शायद नादिया ही है पानीर नादिया जी जी समवेयर इन देयर कह सकते हैं है ना पीटीवी है के बाद जो प्राइवेट चैनल्स आए उनमें यही जी ठीक है नादिया नादिया खान ठीक है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडियन मुइन अख्तर उमर शरीफ सिकंदर सनम रंगीला मानी ये भी लिस्ट आपने बनाई है ये भी लिस्ट मैंने बनाई है कहाँ डाला मानी भाई को मैं ये चेक कर रहा था <laughs> मुइन अख्तर था ओके पाकिस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्टर शोएब मंसूर एहसन रहीम जामी नदीम बेग नबील कुरैशी यासिर नवाज मंसूर ओके जी आखिरी दो सवाल पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म ये मेरे हिसाब से कह रहे हैं या और, आप और आप आपका इंटरव्यू है भाई तो और नहीं ये एक ना कि यार पाकिस्तान की बजट वो इतना नहीं, क्रॉस किया नहीं, आपके दिल में भले एक रुपया ना कमाया हो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म या मुझे एक्टर इन लॉ अच्छी लगी थी सबसे बड़ी फिल्म कहना चाहेंगे आप उसे यार आपने मेरा ओपिनियन मांगा हाँ, ना। हाँ मुझे अच्छी लगी थी एटन लॉस जबरदस्त सही पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामा यार आप उस दौर से लेकर अब तक क्या आप कह रहे हैं एग्जैक्टली exactly, हाँ यार ये बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे बहुत लंबी लिस्ट है एक नाम जो फौरन आया जहन में लिस्ट तो मैं भी निकालने बैठूंगा तो मुझे भी पता निकल जाएगी एक नाम जो फौरन आया यार मुझे अपने अब्बा का ड्रामा वो बड़ा अच्छा लगता है एक दो ड्रामे बड़े अच्छे लगते हैं अंकल उर्फ़ी ओके okay. वो आप देखिएगा सही ऑन दैट नोट वी विल टेक योर लीव थैंक बहुत मज़ा आया जी मैं हूं कामरान जिलानी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें रावा एंटरटेनमेंट को थैंक यू